स्वैलेवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने वॉक्सवैगन वर्टस, और ये इसका ऑटोमेटिक के अंदर आने वाला बेस मॉडल है, मतलब कि हाईलाइन 80। ये आपको कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 14,71,000 रुपये, मतलब कि 14.71 लाख रुपीज एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें गाड़ी आपको ऑफर कर देती है, मतलब कि मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद भी आपको कुछ मतलब ऐसा अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसका ये वाला वेरिएंट भी लेते हो तो इसके अंदर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्या क्या है वो चीज़ें, उन सब की बातचीत करते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान कर रहे हो वॉक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। गुड़गांव दिल्ली से देख रहे हो, फरीदाबाद से देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो इस नंबर के ऊपर और अच्छी से अच्छी डील ले सकते हो वॉक्सवैगन के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अभी प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं। चाबियां कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। यहाँ से आपका बूट जो है अनलॉक हो जाएगा, खोलना आपको मैन्युअली पड़ेगा। और यहाँ पे फिजिकल की भी आपको मिल जाती है। ऐसे यहाँ पे इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है, मतलब इस गाड़ी के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाती है। तो इसको रख लेते हैं अभी पॉकेट में, प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं। तो ये है गाड़ी की डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और एक चीज जो कहनी पड़ेगी, इनका सदाबहार डिजाइन और इनकी पेंट जॉब, मतलब इतना कैंडिड सा कलर लगता है ना, इतना स्वीट सा, मतलब क्या ही कहने, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है इनके कलर्स का। आप कोई भी कलर देख लेना, मतलब ये ग्रुप जो है वॉक्सवैगन ग्रुप, ये जाना जाता है भाई अपनी क्लासी डिजाइन के लिए, अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए और अपने कलर जॉब के लिए। तो ये चीज़ें मतलब दिखती भी हैं अलग से, उनकी बातचीत फिर कभी करेंगे। फिलहाल क्या है उसकी बातचीत करते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करें तो ये LED बेस यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप आपको मिलता है, लो बीम हाई बीम के लिए। इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे है। ये इसकी DRLs हैं जो कि आपको मिल जाती हैं। नीचे फॉग लैंप्स भी आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर क्रोम की अलग से एक लाइन मिलती है क्योंकि यहाँ से लेके उस वाले फॉग लैंप तक जाती है। यहाँ पे टोइंग हुक की प्लेसमेंट है, मतलब बम्पर ओवरऑल टॉप मॉडल जैसा ही आपको देखने के लिए मिलता है एज इट इज। यहाँ पे वॉक्सवैगन का लोगो आएगा शानदार से, यहाँ पे सिंपल सोबर सी ग्रिल मिलती है, यहाँ पे आएगी नंबर प्लेट, और बहुत ही मतलब क्लासी सा डिज़ाइन है, सदाबहार सा, मतलब जल्दी से आप इसे बोर हो ही नहीं सकते हो। लाइंस वगैरह आप देखो, इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, आपके क्या ओपिनियंस है इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में वो जरूर से शेयर करना। साइड में आता है, साइड में जो टायर्स हैं यहाँ पे वो हैं गुडियर के। टायर सेक्शन जो है इनका वो है 205/55R16 16 इंच के अलॉयज आते हैं। आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 179 mm की बेहतरीन सी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, जो कि इसको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देती है इस सेगमेंट में, क्योंकि आपको पता होगा सेडान मार्केट ओवरऑल जो थी, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो क्रैश थी, कोई जा नहीं रहा था सेडान्स की तरफ। फिर आती हैं मार्केट में दो गाड़ियां, वर्टस और सलाविया, जिन्होंने फिर से जन्म दिया इस चीज़ को, दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट जो है सेडान्स के अंदर आना स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। यहाँ पे बॉडी कलर ORUMs हैं, इंडिकेटर्स के साथ हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती है, प्लेन विंडोज हैं। ये पिलर जो है ये मैट ब्लैक है, यहाँ पे भी वॉक्सवैगन जो है मेंशन है। शार्फन एंटीना था जो कि ग्लॉसी ब्लैक है यहाँ पे, और बहुत बढ़िया सा ग्लास एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने के लिए। ये कुछ इस तरीके से खुलेगी। फ्यूल कैप, मतलब गाड़ी आपकी अनलॉक हो, सिंपल आपको टैप करना है और ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे की साइड आते हैं, जैसा फ्लो ये आगे से कंटिन्यू करती है वैसा ही फ्लो यहाँ पे आके एंड होता है, मतलब सिंपल सोबर सटल एकदम, कुछ भी ऐसे नहीं कि आगे से अच्छा बना दिया और पीछे आते आते चीज़ फंकी लगने लगी, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत स्वीट सी लगती है पीछे से भी। यहाँ पे डिफॉगर आपको मिल जाता है पीछे वाले मतलब ग्लास एरिया पे, स्टॉप लैंप है यहाँ पे, और ये वेव जो है शानदार सी यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है। वॉक्सवैगन के यहाँ पे लोगो आपको मिल जाएगा। रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे है, वर्टस यहाँ पे लिख मिलता है, TSI की यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाती है, बिल्कुल एकदम स्मोकी टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। व्हाइट के ऊपर भी आप देखो तो ये एकदम ग्लॉसी ब्लैक जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और पीछे 3 पार्किंग सेंसर्स है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, और ये क्रोम की पूरी लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। बूट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है, इसे प्रेस करती है आपका बूट एकदम सडन खुलता है ये, और यहाँ पे भी पूरी कवरिंग की हुई है। 521 लीटर्स की अच्छी खासी डीप स्टोरेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे बूट लैंप भी है, और यहाँ जो स्पेयर व्हील है वो आएगा इसके नीचे। तो ये देख लो, ये MRF का टायर है, और इसका टायर सेक्शन जो है वो है 195/65R15 15 इंच का, कुछ ऐसा मिलेगा स्पेयर व्हील, और टूल किट वगैरह ये भी अच्छे तरीके से असेंबल करके रखी हुई है, और सारी चीज़ें कवर्ड हैं, कुछ भी यहाँ पे एक्सपोज नहीं हो रहा है। और अभी इसको कर देते हैं बंद, और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर कर रही है बेस मॉडल होने के हिसाब से। तो ये देख लो, कहने को ही बेस मॉडल है ये, बाकी फीचर्स तो देखो टॉप मॉडल वाली सारे ऑफर कर रही है ये।
यहाँ डोर पैनल की बात करते हैं, तो ये देख लो डोर पैनल, यहाँ पे प्रॉपर लेदर है भाई, सॉफ्टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। चारों पार विंडोज है, विंडोज के लॉक हैं, ORMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, डोर्स के लॉक हैं। अपना ये मिलता है सिल्वर डोर लिवर और थोड़ा सा गोल्डिश स्टॉन जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पीकर है, बोटल होल्डर है, 6-way मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये फैब्रिक सीट्स हैं, बेज में है प्रॉपर। और यहाँ पे लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, लाइट लेवलिंग डायल है और मेन जो लाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। दो पैडल्स हैं, यहाँ डेड पैडल अलग से दिया हुआ है, यहाँ से खुलेगा बोनट। और अभी गाड़ी के इंटीरियर में ही चलते हैं और इन सभी चीज़ों की बातचीत करते हैं कि ये क्या थर्ड है भाई और ये वर्क कैसे करते हैं, इनकी बातचीत करते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ये आपको ऑफर कर देती है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। एक बार इसको आप ऐसे दबाओगे तो ये चीज़ें जो हैं ऑन हो जाती हैं एक टैप पे, मतलब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये क्लस्टर वगैरह। यहाँ पे एनालॉग है, 8000 तक की RPM है, 260 की टॉप स्पीड मार्किंग है, बीच में MID आती है जहाँ पे कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक और बेसिक से थोड़ी ज़्यादा वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ये जो दोनों डायल्स हैं आपको एनालॉग मिलते हैं और ये इन बटन के थ्रू आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब सेट जो आपको करना हो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं अपने हेडलैम्प्स के कंट्रोल और इंडिकेटर्स के कंट्रोल, और यहाँ पे अपने वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स आते हैं इसके अंदर भी, नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए। आपका कभी मन किया मैनुअल तरीके से गाड़ी को खींचने का तो आप वो काम यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बट थोड़ा ईजी रहेगा यहाँ से, थोड़ा मतलब अच्छा भी लगता है। किसी को पसंद आते हैं, किसी किसी को पसंद नहीं आते हैं। ये क्रूज कंट्रोल आता है भाई यहाँ पे, और ये कंट्रोल्स वगैरह और मिल जाते हैं आपको यहाँ से भी, आप इसको टैगल कर सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से, ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डाटा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी टैगल कर सकते हो। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पे एयरबैग की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, ऊपर की साइड से देख लो, ये हेडलाइनर पूरा बेज है, पूरी गाड़ी की थीम जो है ओवरऑल जो मेजोरिटी पार्ट है वो बेज में, तो रिफ्लेक्शन जो है गाड़ी के अंदर अच्छा बनता है। नीचे एक साइड आते आते यहाँ देखोगे तो वैनिटी मिरर है, ये यूनिट आपको खाली मिलती है, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ असेंबल करा सकते हो, सनग्लास होल्डर टाइप। व्हाइट लाइट मिलेंगी आपको कुछ इस तरीके की जो कि टॉप मॉडल के अंदर भी आपको मिलती है। बाकी एक मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे आपको मिल जाता है। इधर से टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है और डैशबोर्ड का व्यू देख लो कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पे अपने ये सेम स्टांस आपको मिलता है, ग्लॉसी ट्रिम है, हेजार्ड लाइट की बटन है, अच्छी खासी यहाँ पे 10.9 inches की आपको ये टच की इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड और टेबल कार प्ले के साथ आएगा। AC वेंट्स हैं, ये टच में मिलते हैं पूरे कंट्रोल्स, नीचे टाइप सी पोर्ट है और नीचे यहाँ पे आपको थोड़ी रबराइज स्पेस मिल जाती है फोन वगैरह रखने के लिए, तो फोन आपका इधर उधर झूलेगा नहीं अगर आप यहाँ पे आप रख देते हो। तो ऑटोमेटिक गियर लीवर कुछ इस तरीके का है, इसके अंदर भी लाइट जलती है, ये आपको दिखेगी नहीं शायद फ्लैश की वजह से, इसके अंदर भी लाइट जलती है, जिस भी मोड पे आप रहोगे तो वहाँ पे लाइट जलेगी। जैसे पी पे फिलहाल ये तो पी हाईलाइट हो रखा है यहाँ पे फिलहाल। आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाती है, ये जो चीजें हैं आपको खाली मिलती है। टॉप मॉडल तक आप जाते हो तो ये सब कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऑफर हो जाता है। पूरे ग्लॉसी पैनल्स यहाँ पे मिलते हैं, हैंड ब्रेक है, ब्लैक टिप के साथ है, एक 12 को चार्जिंग सॉकेट है, कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है और ये स्लाइड भी होता है और ये लेदर रैप्ड है, अच्छी खासी स्पेस के साथ भी है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है और कूलिंग फंक्शन के साथ ही आता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये है ओवरऑल अपने डैशबोर्ड का व्यू, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी इसका रेयर स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको और इसके बारे में आपका ख्याल क्या है वो जरूर बताना कॉमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे और यहाँ पे क्या कंफर्ट कंट्रोल्स हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो बेज एंड ब्लैक की हाईलाइट डेफिनेटली दी हुई है और यहाँ पे अगेन आपको ये लेदर मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि आगे वाले डोर पैनल्स पे ये पीछे भी आपको मिलता है। बोटल होल्डर है, अपना क्या कहते हैं स्पीकर की प्लेसमेंट है, सब कुछ एज इट इज है। स्पेस की बात करते हैं मेनली, तो स्पेस के मामले में नो डाउट फुल एकदम, मतलब क्या कहूँ, कंफर्ट वाइब देती है, देती भी और मतलब कंफर्टेबल है भी। लेग रूम आप देखो, थाई रूम में कोई इशू नहीं है और यहाँ पे हेड रूम आप देखो कितना है मेरे पास, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हूँ। आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, 5'9" के हिसाब से, और यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको ऑफर हो जाता है। सीट वगैरह जो है सब फैब्रिक की मिलती है आपको, तो थोड़ा ये है एक चीज़, इनके ऊपर आपको कुछ कराना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये गंदे हो जाएंगे। और बाकी ऐसा और कोई कमी वाली बात नहीं है। यहाँ पे पॉकेट है दोनों ही सीट्स पे, रियर AC वेंट्स हैं, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट्स भी आपको दिए हुए हैं। हम्प ना बराबर है अगर मन करे तीन बंदों का पीछे बैठने का, फिर ऐसी सिचुएशन है कि एक बंदा एक्स्ट्रा आप लेके जा रहे हो अपने साथ, तो तीन बंदे यहाँ पे बड़े स्मूथली बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेड रेस्ट हैं, 1, 2, 3, 4 ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे मिलते हैं। व्हाइट लाइट आती है पीछे वाले बंदों के लिए भी, आप देख सकते हो LED बेस, और ये
कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू पीछे की साइड से। बाकी ये है सारी चीजें, कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। अभी गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट भी आपको चेकआउट करा देता हूँ कि उसके साथ तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, या फिर सेम सारी चीजें मिलती है। अभी बात करते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह आपको नहीं मिलती है, बट ऐसा कुछ की कोई कमी आपको फील होगी नहीं, क्योंकि ये इंजन रिफाइंड काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। वैसे तो 3 सिलेंडर इंजन है, बट जिस हिसाब की गाड़ी है उसके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से रिफाइंड है। तो ये आपको डेवलप करके देता है, ये बता देता हूँ पहले, ये 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है 3 सिलेंडर। ये आपको डेवलप करके देता है 113 BHP, ऑलमोस्ट 178 Nm का टॉर्क, 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे 17 से 18 की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है। और ये है इसका इंजन बे, काफ़ी बड़ा सा शानदार सा। और एक सेकंड हम इसको बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये था आपके सामने वॉक्सवेगन वर्टस का हाईलाइन वेरिएंट। ये ऑटोमेटिक के अंदर आने वाला बेस मॉडल था इसका। अगर आप प्लान कर रहे थे यही गाड़ी, बस ऐसा है कि आपको टॉप मॉडल तक नहीं जाना था, तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसे सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस को छोड़ के। बाकी आपके ओपिनियंस क्या हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर से शेयर करना, वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।